हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी और मेरे पास है IQ Z5। यहाँ पर देख सकते हैं और IQ Z5 में आपको न्यू FOT अपडेट जो है वो इंडिया के अंदर रिलीज किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये है वो अपडेट यहाँ पर मिल जाता है 218 MB का। यहाँ देख सकते हैं और अपडेट का जो वर्जन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 36.12.1। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो है वो अपडेट देखने के लिए मिल रहा है IQ Z5 में। अब बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया सिस्टम अपडेटेड टू द मार्च 2022 गूगल सिक्योरिटी पैच टू इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पैच लेवल जो अपडेट है वो दिया गया है IQ Z5 में। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी टू इम्प्रूव स्मूथनेस। यहाँ पर जो सिस्टम को है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है और काफ़ी स्मूथ बनाया गया है। पहले से और भी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ आपको देखने के लिए मिल जाएगा फन टच OS इस वाले अपडेट के बाद। पिछले वाले अपडेट में गाइज यहाँ पर एक शिकायत आ रही थी और बहुत सारे यूज़र जो है IQ Z5 के वो यहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे कि पिछले वाला जो अपडेट आया था सिक्योरिटी पैच लेवल उसमें गाइज बैटरी ड्रेन का इशू जो है वो आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसको अपडेट करने के बाद कि क्या इसमें भी बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो हो रहा है या फिर यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। पिछले वाले अपडेट में गाइज मुझे प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था वो कैमरे के अंदर था। अगर आप लोग लो लाइट में पिक्चर क्लिक करते हैं जहाँ पर आपको बहुत ही कम लाइट यहाँ पर मिल जाता है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत नॉइज़ जो है मुझे देखने के लिए मिला था। तो हो सकता है वो अपडेट के साथ यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वाले अपडेट में वो जो है वो फिक्स हो जाए। बाकी देखा जाए ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा इसका कैमरा है IQ Z5 का। डेलाइट में अगर आप लोग पिक्चर क्लिक करते हैं तो काफ़ी शानदार पिक्चर आते हैं। पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी काफ़ी शानदार पिक्चर आ जाते हैं। तो यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था लो लाइट के अंदर। तो वो शायद हो सकता है कि इस वाले अपडेट में फिक्स हो जाए। बाकी यहाँ पर IQ ने बताया है कि इस वाले अपडेट में परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ जो है वो बनाया गया है। तो स्मूथ तो गाइस पहले से ही था और मुझे नहीं पता कि इसमें और क्या स्मूथनेस देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे और चेक भी कर लेंगे क्या स्मूथनेस और देखने के लिए मिल रहा है इस वाले अपडेट के बाद। तो आप लोग जाकर चेक कीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यूज़ कीजिए और देखिए कि आगे बैटरी ड्रेन का जो इशू है इस वाले अपडेट के बाद यहाँ पर फिक्स किया गया है कि नहीं और यहाँ पर कैमरा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है कि नहीं लो लाइट के अंदर। मैं अभी इसको इंस्टॉल करके यूज़ करूंगा और रिव्यू वाली वीडियो है मैं आप लोगों को ज़रूर दे दूंगा। तो इसके लिए आप लोग कल तक वेट कर लीजिए और मेरा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए और यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकें। तो वीडियो बस इतना ही फ्रेंड, वीडियो चाहिए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।